जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल कंसल्टेंट बाबर अनवर। मेरा नाम है, कराची में मैं लोकेटेड हूँ। यूएस वीज़ा के हवाले से बात करना चाह रहा था, वैसे ही अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं, कराची में भी, कौंसलेट में और इस्लामाबाद एम्बेसी में भी। आप अपॉइंटमेंट पर जाते हैं, बी वन बी टू जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर मेडिकल, टूरिज़म और बिज़नेस विजिटर तीनों कैटेगरीज लाई करती हैं। मैं इसके हवाले से बात करना चाह रहा था, अगर आपने बी वन बी टू जनरल कैटेगरी अप्लाई किया है और इंटरव्यू के ऊपर आपको 221G एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग के लिए आपको उन्होंने फॉर्म दे दिया, येलो कलर की जो स्लिप होती है, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग आजकल बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि यार इसका क्या प्रॉब्लम है, ये रिफ्यूज़ल है या क्या सीन है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमेशा से होती है ये, लेकिन आजकल ज़रा ज़्यादा कॉमन है, 221G आजकल ज़्यादा लोगों को मिल रहा है, तो उसकी वजह से लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं, तो सोचा एक वीडियो बना के आपको डाल दूँ यूट्यूब के ऊपर, ताकि आप लोग इसके ऊपर कुछ हेल्प ले सकें। 221G बेसिकली आपका रिफ्यूज़ल, 100% रिफ्यूज़ल नहीं होता है, मेरे मुताबिक ये 95% 98% तक अप्रूवल है, और इसका रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग का बेसिकली कोई एक आदमी आपके लिए डिसीजन नहीं ले रहा होता, इनकी पूरी टीम होती है बैकएंड के ऊपर भी जो काम कर रही होती है, किसी एक या कहीं पर वो पॉज है, बेसिकली कोई होल्ड हुआ है आपके एप्लीकेशन, जिसकी वजह से आपको 221G येलो कलर की स्लिप दी गई है। अमूमन ये होता है कि अगर ये अप्रूव करते हैं तो पासपोर्ट आपके रख लेते हैं और आपको एक कॉन्ग्रेट्स की स्लिप दे देते हैं और आपको बता देते हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर आपके पासपोर्ट रिटर्न हो जाएंगे और आपकी ईमेल आपको मिल जाएगी। ये तो अप्रूवल की सूरत में होता है। अगर रिफ्यूज़ करते हैं तो आपको एक रिग्रेट का लेटर दे देते हैं, वो तकरीबन 214B उनका सेक्शन है उसके लिए, कि अभी आप इन एलिजिबल हो वीज़ा लेने के लिए, वो अगर आपको मिल जाता है तो उसमें आपके पासपोर्ट रिटर्न हो जाते हैं और आपको रिफ्यूज़ल का लेटर मिल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको 221G मिल गया है तो पासपोर्ट आपको वापस मिल जाते हैं। आपसे समटाइम्स ये कहा जाता है कि आपको एक ईमेल आएगी, आपने उस ईमेल को रिस्पॉन्ड करना है, या फिर कुछ केसेस में वो ये कहते हैं कि ये ईमेल एड्रेस है, इसके ऊपर आप अपना CV और जो जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट उन्होंने आपसे मांगे हैं वो आपने देने हैं। अगर आपको ईमेल आता है तो वो आपसे 15 साल का डेटा मांगते हैं, पिछली जॉब्स, पिछले रेजिडेंशियल एड्रेसेस, पिछले पासपोर्ट नंबर्स या पिछला पासपोर्ट डेटा, पिछले ट्रैवल हिस्ट्री, 15 साल का, 15 ईयर्स का आपसे कंप्लीट डेटा मांगते हैं। समटाइम्स सिबलिंग डिटेल्स भी मांग लेते हैं, या फिर समटाइम्स वो आपको CV के लिए कहते हैं कि आप अपना CV भी अपलोड करें। तो 221G का अगर आपको ईमेल आया है या अगर आपने, आपको उन्होंने ये कहा है कि आप इस ईमेल एड्रेस के ऊपर हमें ये चीज़ें भेजें, तो ये आपने रिस्पॉन्ड करने में देर नहीं लगानी, 24 hours to 48 hours मैक्सिमम के अंदर आपने उनको रिस्पॉन्ड करना है पॉजिटिवली। जितनी चीज़ें उन्होंने आपसे मांगी हैं वो पूरी चीज़ें आपने देनी है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ये आपने देने के बाद रिलैक्स होकर बैठ जाना है। नॉर्मली अगर बेसिकली होता ये है कि 221G बहुत सारे रीज़न से मिलता है, जिसमें एक सबसे कॉमन रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में नाम बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, जैसे मोहम्मद नाम बहुत सारे नामों के साथ होता है और ख़ान करके नाम होता है, तो इस वजह से ऐसा भी होता है कि सिमिलैरिटी की वजह से सिस्टम उसको जो है डिटेक्ट नहीं कर पाता, या कोई इस तरह का नाम है जिस पे कोई इशू है वो आपके नाम से सिमिलर मैच हो रहा है, तो इसलिए वो आपका बैकग्राउंड पूरा डेटा लेने के लिए आपको 221G दे देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं। अब इसका आपने जब रिस्पॉन्ड कर दिया तो अब इसका टाइम 1 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक का प्रोसेस है, कुछ केसेस में 10 दिन में भी रिस्पॉन्ड आ गया है, कुछ केसेस में 15 दिन में, कुछ केसेस में 1 महीने में, कुछ केसेस में 3 महीने में, इनका मैक्सिमम प्रोसेस जो है वो 8 दिन से लेके 6 महीने तक का है। इस दौरान आपको वो कभी भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आपके ईमेल के ऊपर जब उनका प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो आपको एक ईमेल ड्रॉप करेंगे कि आप विद इन 8 डेज और विद इन 5 डेज अपने पासपोर्ट सबमिट करवा दीजिए ड्रॉप बॉक्स के अंदर, वो आपको लोकेशन वगैरह देंगे, आपका वीज़ा अप्रूव हो गया। इन केस ऑफ अप्रूवल ही आपको पासपोर्ट सबमिशन के लिए ईमेल आएगा, तो गुड लक है, ये तो मतलब अच्छी बात है। और अभी हाल में जितने लोगों को भी 221G मिला है, 100% लोगों को अप्रूवल ही मिला है, तो इससे लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं कि यार हमारे पासपोर्ट भी नहीं रखे, पता नहीं हमें रिफ्यूज़ किया है या अप्रूव किया है, तो इसके लिए परेशान ना हो, इसलिए ये वीडियो बनाया है। जो भी उनका रिस्पॉन्सिव ईमेल एड्रेस आपको मिल रहा है वो आपने उसको ईमेल करके वेट करना है अपने टर्न का, और जब आपको वीज़ा मिलेगा तो आप उस पर देखिएगा एक नीचे एक एडिशनल लाइन लिखी हुई होगी, क्लियरेंस रिसीव्ड ऑन सो एंड सो डेट, मतलब अगर आपका इंटरव्यू आज है लेट से, तो उस पर जो रिफ्यूज़ल, जो उसके ऊपर अप्रूवल के अंदर लिखा हुआ होगा क्लियरेंस रिसीव्ड
वो तकरीबन उनके प्रोसेस कंप्लीट होने बाद की डेट होगी, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद की भी डेट होती है, और वो डेट जो आ रही होगी उससे 2 दिन बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। कलेक्शन की ईमेल आ जाएगी कि आप अपने पासपोर्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो भी उनका प्रोसीजर है वो कंप्लीट होने के बाद आपको 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल जाएगा। तो रिलैक्स हो जाएं, और वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक कर दें, और चैनल को अपडेट्स के लिए, ट्रैवल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।